नमो बुद्धाय, नमो प्रियदर्शनी अशोका, जय भीम। वेरी गुड डे। नमो बुद्धाय, नमो संघाय, नमो बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धं शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं
चरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि। कोना बुद्धा वारु कोना बुद्धा ओम दुबारे कोना बुद्धा इस जपन सभी बौद्ध उपासक और उपासिकों को नमो बुद्धाय। प्यारे दोस्तों, धम्म रैली के मैं हर पिक्चर देखता हूं। डॉक्टर बीआर लॉ कॉलेज में धम्म रैली का आयोजन पीएस कोबरागड़े इनके नेतृत्व में और पाटिल सभापति माजी सभापति इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम नागपुर के हर बुद्ध विहार में होने जा रहा है। और जहां की कुछ कमतरता है, आज जब भी शुरुआत होती है Yeah।
नमो बुद्धाय। मेरे साथियों, धम्म रैली डॉक्टर बी आर ई ला कॉलेज, बाबा साहेब रामजी ला कॉलेज से शुरुआत होने जा रही है और 17 तारीख से दीक्षा भूमि के उस महान पर्व पर मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर विवेक खड़के पीसेस खोबरा कड़े और हाड़के परिवार और बहुत सारे लोग, पाटिल सभापति, माजी सभापति महानगर पालिका, इनके साथ में उस रैली का उद्घाटन के साथ में आज लॉ कॉलेज में सभी व्यवस्था हो रही है। लॉ कॉलेज ये दीक्षा भूमि का ही प्रकार है। आज लॉ कॉलेज की शान एक महीना में अलग अलग बातों पर विचार होने जा रहा है। जब धम्म रैली जाती है, मैंने भी इस साल 1000 अशोका के तस्वीर देने का वादा किया है। पहला 100 का, 50 का तस्वीर मांगकर मैंने तुमसर परिसर में, जहां मेरा स्कूल कॉलेजेस है, वो भी एक प्रकार की विहार है, तो उन विहारों में मैंने शिक्षण के विहार में, विहार सिर्फ पूजा पाठ में नहीं चाहिए, हम विहारों को परिवर्तन करना चाहते हैं। हमारे को 70 साल में, बाबा साहब को 65 साल मिले और इन सालों के बीच में जो होना था बहुत सारी बातें हुई नहीं, जो हमें धम्म में, धम्म को सुधारना है, धम्म को, बुद्ध धम्म के उन्हीं बातों को जानना है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे दोस्तों, हमारा एक कैलेंडर, एक विचार होना चाहिए। नागपुर की इस धरती पर हर बुद्ध विहार पर मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर और मेरे परिवार और मेरा हिंदुताई परिवार के तरफ से, खास करके मैं और विद्याताई फुलेकर इनके तरफ से, मैं हर विहार में वो तस्वीर दिया हूँ, दे रहा हूँ। फिर 4.5 से और 5 से विहार भी हो और स्कूल कॉलेज भी हो, जहाँ 1000 तस्वीर नागपुर के परिसर में मैं देना चाहता हूँ और दे रहा हूँ। पहला मेरा कैंप 100 तस्वीर का बुद्ध पूर्णिमा के दिन तक के पूरा होगा, ये मेरा टारगेट है। मैं चाहता हूँ जिस महान सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म की स्थापना की, बुद्ध धम्म को परिवर्तित किया, बुद्ध धम्म के एक राजा ने पूरे विश्व में, जहाँ से अफगानिस्तान काबिल हो, काबुल हो, हिमालय का प्रदेश हो, कन्याकुमारी तक हो, हर यहाँ भगवान बुद्ध की 84,000 गाथा को लेकर 84,000 विहार बांधना ये कोई सादी बात नहीं है। दुनिया के टारगेट में विहार यानी सिर्फ पूजा पाठ नहीं, वहाँ बुद्ध को नालंदा विद्यापीठ बांधकर वो चमत्कार बनाया, जहाँ 10 लड़कों पर एक शिक्षक, ये कोई सादी बात नहीं थी। वहाँ हर बातों का अध्ययन, आर्किटेक्ट, मानव की उद्यान के लिए कार्यक्रम, जनता के लिए वीर खोदना, पूरे देश में, भारत देश में, और प्राणी मात्र को दया करने के लिए प्राणियों को, उनके लिए हॉस्पिटल खोलना, मनुष्य के लिए हॉस्पिटल खोलना, विद्यापीठ खोलना, दुनिया का पहला आदमी जिसने 23 बड़ी बड़ी विद्यापीठ बनाई,
नालंदा विद्यापीठ, हर लोग दुनिया के पढ़ने आते थे। पतंजलि नाम का योग शास्त्र जो हुआ वो तक्षशिला का स्टूडेंट था। भगवान बुद्ध के 1200 साल के बाद में पतंजलि की शुरुआत हुई। योगा और मेडिटेशन विपसना ये सभी भगवान बुद्ध की देन है। एक ऐसा शास्त्र ना जो 2600 साल पहले हुआ और उसने मन को कंट्रोल करने के लिए, प्रज्ञा से जीतने के लिए, शील को धारण करने के लिए, करुणा का मार्ग लेकर और मैत्री के साथ में आगे बढ़ने की बातें की। उन भगवान बुद्ध को मैं नमन करता हूँ, उस महान शास्त्र को मेरा त्रिवर नमन। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। मेरे साथियों, मैं उस अनेक बुद्ध विहार से तार से जोड़कर नागपुर के धरती में 450 बुद्ध विहार को जोड़कर अशोका की तस्वीर के साथ में सभी के नंबर एक साथ लेकर इन बातों का संघ बनाना चाहता हूँ, जिस संघ में दम हो। नवंबर महीने में और एक कैंप लेकर हर विहार में जाकर, मेरे हैप्पी बर्थडे से 6 नवंबर को मैं हर विहार में जाकर खुद हर विहार की बातें अपने दो शब्द लब्ध से कहूँ और संघ को मजबूत करूँ। संघ अगर मजबूत हो तो धम्म और बुद्ध मजबूत होते हैं और मैत्री बढ़ती है। संगठना में वो ताकत है जो दुनिया की हर ताकत, हर मशाल को पूरी कर सकती है। दोस्तों, हमारा संघ सिर्फ 14 अप्रैल और बाबा साहब के धम्म यात्रा 14 अक्टूबर को मजबूत दिखता है। मुंबई में 6 दिसंबर को मजबूत दिखता है कि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ और हम एक मेक पर टीका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कमतरता हर आदमी में है, हर आदमी में कुछ ना कुछ कमतरता है, लेकिन हर आदमी बुद्ध है, हर आदमी बुद्ध है, हर आदमी धर्म की याचना करना चाहता है, संघ को जोड़ना चाहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रि रतन अगर एक में आते हैं तो मैत्री बढ़ना ही है, करुणा बढ़ना है, शीलता बढ़ना है। इन सब बातों को देखते हुए हमें प्राणी मात्रा पर दया करना है, हमें धम्म की याचना करना है, हमें पंचशील फॉलो करना है, हमें अष्टांग मार्ग फॉलो करना है, हमें दशहिता फॉलो करना है। प्यारे साथी हो, उपासक उपासिक हो, हम सभी ने, हम सब बुद्ध है। 2600 साल पहले ये बुद्ध की धरती थी। हर ब्राह्मण बुद्ध था, हर शूद्र बुद्ध था, हर वैश्य बुद्ध था, हर लोग बुद्ध थे। ना जात थी, ना पात थी, सिर्फ एक वर्ग था जो बाहर से आया था, उन्हें हम ब्राह्मण कहते थे। बुद्ध ने ब्राह्मण की व्याख्या, दुज हुआ हैव नॉलेज, हैव प्रज्ञा, हैव सील एंड करुणा एंड प्रिंसिप्स, दैट इज द बुद्धा। बुद्ध ने हमको वो अर्थ दिया, वो अर्थ दिया जहां प्रज्ञा हो, नॉलेज हो, चाहे चरित्र हो, कैरेक्टर हो, सील हो, जहां लव हो, प्रेम हो, मैत्री हो, उसी से बुद्धत्व प्राप्त होता है और उसी को ब्राह्मण कहते हैं। बाबा साहब ये बहुत बड़े ब्राह्मण थे, सच्चिदानंद फुलेकर भी ब्राह्मण है, हम स्कूल कॉलेज चलाते हैं, हम ही ब्राह्मण हैं। जो पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा बताते हैं, वो शूद्र है। तो शूद्र और ब्राह्मण में यह अर्थ है, जो लोगों को पेट भरने के लिए कुछ ही बातें करता है वो शूद्र है। आज जो लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, जो नॉलेज जानते हैं, जो बुद्ध को जानते हैं, धम्म को जानते हैं, संघ को जानते हैं, मैत्री को जानते हैं, वही ब्राह्मण है। ये बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने ये बातें बताई। तो दोस्तों, आज से शूद्र कहना छोड़ दो। शूद्र कोई नहीं है, हर आदमी बुद्ध है, हर आदमी ब्राह्मण है,
ब्राह्मण की डेफिनेशन करने वाले उस जमाने में सम्राट अशोक की माता ब्राह्मण थी, नागवंशीय थी। उस जमाने में जब सिकंदर आया तो सिकंदर के साथ में शेलुग्रह ने अपनी लड़की चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, तो नागवंशी बाहर देश का ही परिवार हुआ है। ये परिवार नागवंशी परिवार नागपुर का है, यहाँ से नाग नदी जाती है। हमने नाग नदी को शुद्ध बना दिया है, हमारे नेता लोग कुछ चाहते हैं कि नाग नदी को शुद्ध बनाए। यहाँ का कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई ओबीसी एक ही थे। एक जमाने में यहाँ जात नहीं थी, पात नहीं थी, सिर्फ दो जाति थी। उस जात का नाम था बुद्ध भगवान, खुद कुणबी जात के थे, उन्हें कुणबी कहते हैं, आज मराठा कहते हैं। हम सब जिसके पास में खेती है वो सब कुणबी है। हम लोगों ने ज्यादा की अकड़ आने के बाद में पाटिल लगा दिए, फिर वो वागाए पाटिल हो गए। कोई पाटिल लगाए, कोई कुछ लगाए, मराठा पाटिल, दादा पाटिल, विलासराव पाटिल, ऐसे नाम लगाकर खुद को पाटिल तक किए और गांव में राजकारण घुस गए। हम लोगों के पास में जमीन है, हम भी पाटिल है, हम पाटिल है, बुद्ध के साथ में हम पाटिल है। उस जमाने में जो खेती के काम करते थे, 99% लोग खेती के काम करते थे, तो पाटिल थे। स्त्रिया और पुरुष सर का अधिकार था। स्त्री भी उस 26 साल के पहले स्त्री बनते बनती थी, खुद यशोदा माता बनते बनी। भगवान बुद्ध प्रवचन देते थे, कहीं दूर बैठती थी ना, दूसरे को एक दूसरे को देखते थे ना कभी कुछ। राहुल भी बनते बना, राहुल तो भगवान बुद्ध के चिरंजीव थे, राहुल भी बनते बना, लेकिन अपना भंते का आचरण उन्होंने छोड़े नहीं। भगवान बुद्ध के पीछे 500 कम से कम भंते चलते थे और कहते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। क्या कह, वो जमाना था, याद करो दोस्तों, वो जमाना था और वो जमाना आज भी आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। यही बाबा साहब के विचार थे। जमाना आते रहता है, जाते रहता है। संगम नमामि, ओम भगवतो हरतो नमो तस्य भगवतो हरतो तो समासंभु। तस्य भगवतो अर्हतो सम्मासंभु। शरणं गच्छामि, तमं
शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि दुतियं किबुदं शरणं चामि दुतियं किमं शरणं गच्छामि दुतियं किसंगं शरणं चामि यं किबुद्धं शरणं गच्छामि यं किदम्मं शरणं गच्छामि तत्यं किअङ्गं शरणं गच्छामि पाता शिरमणि आपदं समाद्यामि दीनदाना शिरमणि शिक्षापदं आदियामि ते सुमिताचारा वीरमणि कापदं समादियामि आपदं समादियामि सुरामेरय मद्यपमा प्रमादखाना वीरमणि समादियामि सामि 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 उस भगवान बुद्ध को मेरा नमन, जो अहर्त जीवन मुक्त सम्यक संपूर्ण संपूर्ण जागृत हो। उस भगवान बुद्ध को मेरा नमन, जो अहर्त जीवन मुक्त सम्यक संबुद्ध जागृत हो। जिस भगवान बुद्ध को मेरा नमन, जो अहर्त जीवन मुक्त सम्यक संपूर्ण जागृत हो। मैं बुद्ध को अनुसरता हूँ, मानता हूँ,
मैं उनके धम्म को मानता हूँ, मैं उनको संघ को मानता हूँ। मैं दूसरी बार बुद्ध को अनुसरता हूँ, मैं दूसरी बार धम्म को अनुसरता हूँ, मैं दूसरी बार संघ को अनुसरता हूँ, मैं तीसरी बार बुद्ध को अनुसरता हूँ, मैं तीसरी बार धम्म को अनुसरता हूँ, मैं तीसरी बार संघ को अनुसरता हूँ। पंचशील, मैं जीव हिंसा से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं काम वासना अनाचार से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं मद्य मग्य और इस तरह से ड्रग्स, जो भी ड्रग हो, मादक पदार्थ हो, उसको सेवन से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। यह हमारा पंचशील है। प्यारे दोस्तों, हमने जहाँ तक देखे हैं, हमारे भंते भी ब्राह्मण के लोगों के समान हुए हैं। जैसे ब्राह्मण लोग गीत गाते हैं, ओम शाह ओम भा ओम भा, ये बातें हमको उनका अर्थ नहीं समझता। जब अर्थ समझेगा तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। मैंने बहुत सारे प्रेयर का अर्थ समझा हूँ, और जब मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और अध्ययन करता हूँ, खास करके कोविड के पीरियड में, हर दिन एक एक घंटे का मैंने जो अध्ययन किया हूँ, 2-3 घंटे कंटिन्यू, 6-6, 8-8 घंटे बुद्ध धम्म का मैंने जो अभ्यास किया हूँ, गाढ़ा अभ्यास के साथ में, महावीर धम्म का अभ्यास किया हूँ, हिंदू धम्म का, रामायण महाभारत का अभ्यास किया हूँ, तब मुझे वो बात लग रही है कि जब हम बुद्ध विहार में जाते हैं, बुद्ध वंदना करते हैं, हमारे महान भावी लोग बुद्ध वंदना देते हैं, लेकिन जब लोग सुनते हैं तो लोगों को बड़ा हंसी आती है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसलिए 2600 साल के पाली भाषा में परिवर्तन संस्कृत भाषा में हुई, बाद में मराठी अंग्रेजी हर भाषा आई, बाबा साहब को 9 भाषाएं आती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर शादी लगाते हो, और शादी जब लगाते हो और शादी का अर्थ दूल्हा दुल्हन को नहीं समझता, तो हमारे भंते को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या भंते यानी बहुत ब्रिलियंट ऐसा होता है? हमारे भंते लोग नकारात्मक विचार से भंते हुए हैं। किसी की औरत ने गाली दिया, बहुत गाली देती थी, इसलिए भंते हुआ। मैं एक भंते साहब से मिला, जो डायरेक्टर थे, जो मुझे दीक्षा भूमि के दिन मिले, मैंने उनका कहा, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप बहुत बड़े भंते हैं, आप एक जमाने में एग्रीकल्चर के डायरेक्टर थे। मुझे एक मेरे दोस्त ने कहा, दोस्त इनकी बीबी से पट्टी नहीं थी, ये तंग आ चुके थे, इन्होंने भंते बनाया। एक लेडीज मुझे रामटेके भंते नाम की मिली, मैंने उनको, मेरे पास में 40 भंते लेडीज आई। जब मैं नागपुर में उनको मिलने गया, ना नहाने की व्यवस्था, ना खाने की, ना पीने की व्यवस्था, मैंने कहा मेरे पिपरा में 25 एकड़ खेती है, मैं आपको वहाँ धम्म यासना, 3 गाड़ी मेरी गिरी हुई है जो 50 सीटर है, बरसात के दिन आप यहाँ रहो, विपसना करो और वर्षावास करो, और उसके बाद आप पूरे देश का भ्रमण करो, मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। लेकिन भटकी हुई जमात, हमारे भटके हुए जमात को भंते बने हैं। मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता मेरे दोस्तों, जो बात सत्य है वो बोलना चाहता है। सच्चिदानंद हर बातें सत्य के साथ में बोलता है, बातें करता है, आप लोगों से हर बातें शेयर करता है, ध्यान प्राप्त होने वाली बात है इसलिए करता है। हर सवेरे में 2-3 बजे उठता हूँ, आप लोगों से चर्चा करता हूँ, कैसेज बनाता हूँ, कम से कम 250 ग्रुप के मैं ये भेजता हूँ, मुझे भेजने को कम से कम 3-4 तास लगते हैं, उस मैं डबल तिबल बार मेरे वचन सुनता हूँ, मेरे प्रवचन मैं खुद सुनता हूँ, और उसकी यूट्यूब बनाता हूँ, आज न कल आपके काम में आएगा। दोस्तों, बाबा साहब ने कहा, पढ़े लिखे लोग सोए हैं, पढ़े लिखे लोगों ने सोने के बजाय उस आचरण को ध्यान देना चाहिए जिस बात को वैल्यू है। बाबा साहब नींद में सो गए, थक गए, हमारे लिए बहुत काम किए। 6 दिसंबर की वो एक रात आई जहां बाबा साहब सो गए, बाबा साहब सो गए, हमारे बाबा हमारे से चले गए। हम
हम लोग बहुत दूर हो गए। हमारे बाबा हमारे से चले गए, बहुत दूर गए। दिल्ली में बाबा ने श्वास छोड़ दिया और वो श्वास छोड़ते हुए उनकी बाड़ी लाने के लिए हमारे तरफ पैसे नहीं थे। आज भी हमारी स्थिति ऐसी है, हम ना मध्य हो सके, हमें आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं, हमें आरक्षण हैंडीक्राफ्ट बनाता है, हमें खुद के अत्यधीप भव इस पर हमको भरोसा है। मेरे प्यारे साथियों, संघ को मजबूत करो, धम्म को मजबूत करो। हमारे समान लोग अगर बातें करते हैं वो सुनने की ताकत रखो। आज डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर सिर्फ तुमसर में स्पीकर नहीं, भंडारे में, हर जिलों में स्पीकर लगाएगा और सवेरे आपसे बातें करेगा। हम एक तास लेते हैं आपका, जिस टाइम पर लेते हैं 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। कुछ लोगों को, तुमसर के लोगों को तकलीफ हुई, जब ठंडी के दिन थे, लोग रात को दारू पीते हैं और नींद लगती है। आजकल 6 बजे हमारा यह प्रवचन शुरू होता है। प्यारे दोस्तों, आप भी बोल सकते हैं, आप भी बुद्ध बन सकते हैं, आप भी धम्म की आचना कर सकते हैं, आज भी संघ की आचना कर सकते हैं। फादर हाउस तुम सर का प्लेस है, जहाँ भगवान बुद्ध की 62 फुट की हाइट पर मूर्ति हमारे चारों तरफ देखती है, प्रकाश देती है, सुंदर विचार करती है, जहाँ बाबा साहब का स्टैचू भव्य हो, हमारे सभी तरफ के स्टैचू का राजकरण से भरे हुए हैं। हम इनको शुद्ध करना चाहते हैं। हमें खुशी है कि तुम सर के इस भूमि में हम नगर पालिका के नगराध्यक्ष बनने के बाद में हम सावित्रीबाई महिला मंडल को 1,00,000 रुपये मैंने स्टार्टिंग मेरे मिसेस के नाम से 50,000 और 50,000 का चंदा दिए, हमने दान दिए। दान देना हमारा पुण्य है और वहाँ से दीवार शुरू हो गई। आज हमारे बीच में मिसेस देशभरतार नहीं है, आज हमारे बीच में खांडेकर मैडम नहीं है, हमारे बीच में वासनिक भाई है, बहुत सारे लोग हैं, उन्हें मालूम है। हमने पावती नहीं ली, हम पावती नहीं लेना चाहते हैं, हम धम्म के काम को शुरुआत करना चाहते हैं। हमने यहाँ के जो राष्ट्रवादी के नेता थे प्रफुल्ल भाई, उनको बुलाकर 5 लाख का नीचे का फाउंडेशन बनाने की ताकत दी। यहाँ के मधुकर कुकड़े ने एक सीढ़ी बना दिया, छतरी बना दिए, इस तरह से बनते बनते कोरेगांव का भी एक समाधि बना दिया। आज यहाँ की लाइब्रेरी बनते जा रही है। इस बात का सुंदर गर्व है कि हमारे तुमसर में बुद्ध भूमि में बहुत सारे जवान लोग कार्यक्रम लेते हैं। जय डोंगरे लोहे ये रहे तो स्पोर्ट के कार्यक्रम लेते हैं, हमारे वासनिक परिवार कार्यक्रम लेता है, हमारा देशभरतार परिवार कार्यक्रम लेता है, उन्हीं के साथ में कुछ स्त्री आकर पाठ पठन करते हैं, विचार देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज तुमसर के विहार के समान में हर गांव में विहार बनेगा, धम्म यात्रा बनेगा। मैंने कहीं शादियां यहां लगा दिए हैं, 1987 से यहां कई शादियां लगा दिए हैं। आज भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन जिसको भी शादी करना है, डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में आप लोगों का साथी है, दोस्त है, आप लोगों का प्रेम और मार्गदर्शन करना चाहता है। मैं एक तास बोलता हूँ दोस्तों, चाहे तो मैं 5 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन आपकी सुनने की ताकत, अदा करने की ताकत मजबूत हो। एक तास में मैं आपको प्रवचन देता हूँ, बुद्ध का प्रवचन देता हूँ, धम्म का प्रवचन देता हूँ, संघ का प्रवचन देता हूँ, मैत्री का प्रवचन देता हूँ। हमारे बाबा साहब 6 दिसंबर को लाए गए, वो दिन बहुत माँ मानव को विनम्र अभिवादन देते हुए बॉम्बे के समुद्र के किनारे में हमारे बाबा साहब चले गए।
सदीप भव स्वयं दीप हो अत दीप भव स्वयं दीप हो दया शांति जा पथिक तुझा तूच हो दीप भव स्वयं दीप हो। मेरे दोस्तों, महात्मा फुले सावित्रीबाई जगनाड़े महाराज राजभोज, संत कबीर, संत शिरोमणि रविदास महाराज, संत गाड़गे महाराज, ये संतों ने अत्तदीप भव स्वयं आकर्षित किए हैं। आप लोगों को लोगों ने पहचाना चाहिए। आप लोगों का काम कर्तृत्व महत्वपूर्ण होना चाहिए। जब तक आप अत्यधीप भव नहीं होंगे, हम कब तक मजदूर बनेंगे? हम कब तक दूसरों पर डिपेंड रहेंगे? हमने खुद का प्रकाश खुद निर्माण करना चाहिए। मेरे साथी हो, मैं आपसे बातें करता हूँ, क्या आपको लगता नहीं कि सच्चिदानंद फुले ने वो टारगेट किया है जो बाबा साहब की वाणी से किया है? मैं खुद डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर सिर्फ बीएससी पार्ट ऑन करके यहाँ तुमसर में आया, और आज कई सब्जेक्ट में एमए, लॉ,
पीएचडी, दूसरे सब्जेक्ट में पीएचडी, एजुकेशन में पीएचडी, एमएड, और डिलीट होने जा रहा हूं, बाद में ला में पीएचडी करूंगा। ये चित्त रहना चाहिए, धम्म रहना चाहिए। अत दीप भव, आज एक झोपड़पट्टी में तुम्हारे ही बुद्ध भूमि के पास में, जहां लोग यूरिनर जाते थे, संडास करते थे, वहां के घर के सामने, वासनिक भाई के घर के सामने, बुरे परिवार के सामने, कारण करके घर के पास एक छोटी सी झोपड़ी में आज विहार बना दिया है, वो फादर होम हो गया है। और वहीं से 5 मिनट के अंतर पर घड़ी वाली बिल्डिंग बुद्ध की बिल्डिंग है, फादर हाउस, जहां बुद्ध का स्टैचू हो, बाबा साहब का हो, महात्मा फुले का हो, सावित्री बाई का हो, रमाबाई का हो, और सभी संतों की बड़ी बड़ी तस्वीर लगाई दी जा रही है, जहां हमारे राजा गायकवाड़ साहब की तस्वीर है, हमारे महात्मा फुले की बातें हैं, संत कबीर की तस्वीर है, सभी संतों को लेकर चलने वाले इस बुद्ध भूमि में मेरी भी पैदाइश हुई है। और आज मजाक करते करते वो लोग, जहाँ हमारा स्टूडेंट उके था, हमने उसको नगर सेवक किए, जहाँ हमारा स्टूडेंट वासनिक था, योगेश, चले गए, जहाँ हमारा स्टूडेंट महेश था, वो भी चले गए, जहाँ हमारे दोस्त अरविंद गर्वीज थे, भारत शिंदे थे, दोस्तों खोबरागड़े थे, सुरेश खोबरागड़े, रवि खोबरागड़े, ये लोग क्यों चले गए? दारू के कारण चले गए। हमारे उम्र के 20 साल के पहले वो चले गए, आज उनकी बीबी के पास में जब मैं जाकर देखता हूँ, आंखों में जब दुख देखता हूँ और पूछता हूँ कैसे हो आप, तब मुझे बड़ा दर्द होता है। दारू हमको खा रही है। हम जब बुद्ध की यातना करते हैं, हमारे पढ़े लिखे लड़के, नाम नहीं लेता, आज भी जिंदे हैं, कल उनकी प्रकृति इतनी खराब हुई है, वो चले जाएंगे हमारे बीच में, तो दारू हमको खाती है। हम दारू के दुकान वाले मेरे पर नाराज है, मेरे आजू बाजू में दारू के दुकान है, मुझे कुछ बातों के कम लगता है। अगर आप मजदूर बने, 500 रुपये, 300 रुपये बेलदार की करे, लेकिन दारू मत बेचो मेरे दोस्तों, दारू की शुरुआत ये बहुत बड़ी बेकार है। हम धम्म की याचना करते हैं, दारू के साथ में अगर याचना करते हैं, वो बुद्ध नहीं रहे। हम प्राणी मात्र पर हत्या करेंगे, अत्याचार करेंगे, ये कोई बुद्ध नहीं है। हम बुद्ध को मानते हैं, धम्म को मानते हैं, संघ को मानते हैं। आओ दोस्तों, मैं आज से हर स्कूल में मेडिटेशन मास्टर करके पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं खुद इतनी बातें करता हूँ, इतनी बातें बोलता हूँ ड्यू टू मेडिटेशन। मेरे सभी दोस्त वाने हैं, स्टीपन है, मूल है, मेरे सभी दोस्त हैं, मेरे साथ में पढ़ लिए, दिनेश हैं, बुरे हैं, मेरे चूल्हे सर है, मेरे घाघरे सर है, मेरे सभी सर है। हमारे में जात पात नहीं है, हम भीम की वो देन है, हम भगवान बुद्ध की वो देन है, हम सब एक है, हम भारतीय है, हम कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, हम भारतीय है, हम पहले भारत के हैं, हम बुद्ध की यातना के लोग हैं, बाद में हमारे में धीरे धीरे पुष्पमित्र शुंग आ गए, मोगल आ गए, ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश आने से हम क्रिश्चियन बन गए, मोगल आने से हम मुसलमान बन गए, और पुष्पमित्र शुंग ने बुद्धवत राजा को काट के, एक बुद्ध राजा को काट के हमको हिंदू बना दिया। हिंदू यानी गाली है, आप देखो ऑक्सफर्ड के, ये गाली शब्द है, मोगल गाली से बोलते थे, ए हिंदू इधर आ रहे, गाली देते, ए नालायक इधर आ रहे, उसी को हमने अपना धर्म माना। हमारे पीएम रहे, राष्ट्रपति रहे, हम उनको प्रेम से बातें बताना चाहते हैं। नॉलेज इज द पावर। मेरे साथियों, आप बुद्ध हो, भारतीय हो, ये बात ध्यान में रखो। पहले मैं भारतीय हूँ, बाबा साहब ने कहा धर्म की बातें दूर रखो, पहले मैं भारतीय हूँ और बाद में मैं बुद्ध हूँ। बाबा साहब बुद्ध एंड धम्म की ऐसी बातें हमको बता कर गए, बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्म दिए। आखिरी के दिन बाबा साहब के ऋतु उनके साथ में थे, और बहुत सारे
बाबा साहब ने लिखते लिखते अपनी किताब बुद्ध एंड धम्म सीने पर रखे और हमें कहे, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। हमारा बाबा चला गया, बुद्ध की याचना देकर चला गया। बुद्ध की याचना, धम्म की याचना, संघ की याचना। क्या आप बुद्ध एंड धम्म पढ़े कि नहीं मेरे दोस्तों? बुद्ध एंड धम्म पढ़ो, 100 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो। बाइबल किस तरह से पढ़ते हैं? रामायण महाभारत तो पढ़ते हैं, अल्लाह की खुबर करते हैं, जैन धर्म ये पढ़ते हैं, सिख धर्म ये पढ़ते हैं। हमने बाइबल कितने बार पढ़े? हम बाइबल पढ़ने को टाइम नहीं है। तो उस गौतम को, उस बुद्ध को हम नमस्कार करते हैं, उस धम्म को नमस्कार करते हैं, उस संघ को नमस्कार करते हैं। सारे गामा कारवा डिजिटल ऑडियो प्ले ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा, ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा। ज्ञानदीप चेतवी कालवी तमा, नमो तथागता नमोस्तु गौतमा। हृदय अभय दान देखि पूछहि, अंतरंग शांत करि जीवनात ये। सकल मलिन जान न्यास भीम शक्ति दे, अखिल भुवन नास प्रेम भक्ति दे। तत्कल समर्थ है।